पास है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ फोर नंबर, मल्टीपल ऑफ फोर्स, तो फोर के मल्टीपल हमने लिखे हैं 4, 8, 12, 16, 20 और सो ऑन चलते जाएंगे। ये सारे इवन नंबर्स हैं। कैसे इवन है? इनके आखिर में 0, 4, 8 या 6 आता है, इसलिए ऑड नंबर कोई भी नहीं है। ये आपके पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2, जिन पे 2 का टेबल जाता है वो सारे इवन नंबर कहलाते हैं। ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके पास हो गया नॉन एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर विच हैव एट लीस्ट 5 फैक्टर, यानी उन पे 5 टेबल जाते हों। प्राइम नंबर पे तो सिर्फ 2 ही टेबल जाते हैं, इसलिए ये आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट। प्राइम नंबर पे 1, 2 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ 2 टेबल जाते हैं, 1 का और अपना टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कितने एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट होगा तो वो सिंगलटन सेट का। ठीक, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5। प्राइम का उलट होता है कंपोजिट। प्राइम पे 2 टेबल जाते हैं, कंपोजिट पे 2 से ज़्यादा। पहला कंपोजिट नंबर आपके पास आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 9, फिर आता है 10, फिर आता है 12 और ये आगे चलते जाएंगे। ठीक, तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5 से लेस एक ही नंबर है 4, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का एक एलिमेंट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 12। दोबारा हम रिपीट करते हैं, प्राइम नंबर कितने हैं जिन पे 2 टेबल चाहते हैं, एक 1 का और अपना। पहला प्राइम है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, फिर है 15। 15 नहीं होता है, 15 पे टेबल जाता है, फिर आ जाएगा 17। सो अब 8 यहाँ पे आएगा, 12 यहाँ पे आएगा। 8 और 12 के दरमियान में एक ही आपके पास 11 नंबर निकला है जो कि प्राइम है, तो ये आ जाएगा सिंगलटन सेट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करें तो 5 हो जाएगा, तो ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो ये हो गया नॉन सिंगलटन। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम, सैटरडे संडे मंडे, लेकिन वो जो सिर्फ एफ से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ आपके पास फ्राइडे है। फ्राइडे ही एक वर्ड है, एक नाम है जो कि एफ से स्टार्ट होता है, तो ये जो सेट होगा ये क्या होगा? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट है आपके पास एफ, द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 40 एंड 55। ऐसे फैक्टर जो कि कॉमन होगा, फैक्टर होते हैं जिन पे इनका टेबल जाता है। फैक्टर बनाता हूँ 2, 12, 40 एंड 55। ये आ गया 12, इसके फैक्टर, सेकेंड था 40, इसके फैक्टर्स और 55 के फैक्टर्स। तो 6 are 12, तो 3 are 6, 3 ones are 6, 3 ones are 3, सॉरी 12 के फैक्टर हो गए 2 into 2 into 3, 40, 2 twos are 4, 0, 2 ones are 2 or 0, तो 5 are 5 ones are, तो 40 के फैक्टर बने 2 into 2 into 2 into 5, 5 के, 5 ones are 5, 5 ones are 5 एंड 11 ones are, तो 55 के फैक्टर हुए 5 and 11। अब कोई है जो सारों में कॉमन हो? 2 दो जगह पे है, 2 दो जगह पे है, 3 एक जगह पे है, 5 दो पे है और 1 भी, इसका कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। हमने सिंगलटन बताना था, तो ये हम कहते हैं नॉन सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
सेट ऑफ नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 8 एंड 15, ऐसे नंबर जिन पे 8 का भी टेबल जाता हो और 15 का भी टेबल जाता हो, तो ये आप HCF के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं, और आप इसको टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे कि 8 का टेबल